इसका हम कर रहे हैं और सेकंड पार्ट, ठीक है ना। एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है सेकंड पार्ट। सवाल है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन बिलो। यानी कि ये है आपका सम ऑफ जीरोस और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को बनाना है सम ऑफ जीरोस देकर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर है। तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा सिंस सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, सम ऑफ जीरोस जो है उसकी फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, वो कितना देकर है रूट टू, लेकिन इसका डिनोमिनेटर अब नहीं है। अब इसको जब डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं खुद वन डिवाइड कर सकता हूं ताकि मुझे वहां पर ए का वैल्यू भी आ जाए और बी का वैल्यू भी आ जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, वेरी गुड। अब मुझे ए क्या निकला, ए निकला वन, बी निकला माइनस अंडर रूट टू, तो इसका मतलब है डियर फोर ए मुझे निकला वन एंड माइनस बी मुझे निकला अंडर रूट टू। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस बी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी। तो इसको माइनस खत्म करने के लिए मैं यहां इसको सॉल्व करूंगा, माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू, ठीक है ना। तो समझ लो यहां पे ये माइनस वन है, ये माइनस जो है ना बी के कोएफिशिएंट को है माइनस वन। मैं इस माइनस वन को खत्म करने के लिए डिवाइड करूंगा दोनों साइड से माइनस वन, माइनस वन इसको भी, माइनस वन इसको भी, माइनस वन माइनस वन खत्म, बी निकला मुझे अंडर रूट टू डिवाइड बाय माइनस वन। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, यहां पे मैं इस माइनस को खत्म करने के लिए ऊपर भी माइनस वन जरूर दूंगा और नीचे भी माइनस वन। बी निकला बराबर अंडर रूट टू इंटू माइनस वन, क्या माइनस अंडर रूट टू है ना, ठीक, माइनस माइनस प्लस वन। नीचे अगर वन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब शॉर्ट में मुझे निकला बी निकला और माइनस बी था अंडर रूट टू, ये माइनस अब चला गया माइनस अंडर रूट टू को। क्यों, कैसे चला गया, मैंने इस साइड में आपको दिखाया। तो मैंने क्या किया, ए को भी निकाला, ए को ए वन था और बी को भी निकाला। अब सी अभी मुझे निकालना चाहिए, सी को निकालने के लिए मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसे मैं सी निकालूंगा, वो है वो बराबर होता है सी बाय ए, दिया हुआ कितना है वन बाय थ्री, तवज्जो दे दो बच्चों, वन बाय थ्री। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई यहां पे मुझे, जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा वहां पे ए का वैल्यू आ रहा है तीन, यहां पे ए का वैल्यू आ रहा है वन, तो ये मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला। इसका मतलब है मैं इस ए का वैल्यू सेम करने के लिए इसको जर भी दूंगा थ्री, ऊपर भी और नीचे मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी, फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको कल भी दिखाया था, जैसे 10 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 5 10, इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अब मैं इस 10 डिवाइड बाय 2 को उधर भी करूंगा ऊपर भी नीचे भी, मान लेते 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, 10 2 जार 20, 2 2 जार 4, आपका सर काटो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, यहां भी 5 वैल्यू आ गई, यहां भी 5 वैल्यू। तो अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, फ्रैक्शन सेम रहता है। वैसे मैंने यहां पे किया, मैं करूंगा काम, अब मैं करूंगा काम इस वन को तीन बनाने के लिए, मैं इसको ऊपर भी थ्री मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर को भी तीन जार भी किया और डिनोमिनेटर को भी, तो मैं ऊपर वाला ठीक करूंगा, ऊपर वाला मुझे अब करना, क्यों, ए का वैल्यू डिफरेंट आ रहा था ना, यहां पर ए का वैल्यू आ रहा था वन, यहां पर ए का थ्री, समझ लो। लेकिन मैंने ऊपर वाली को ही तीन मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वन को थ्री बन सकता है, थ्री को वन नहीं बन सकता है, तो यहां पे अब ये चेंज हो जाएगा थ्री और अंडर रूट टू को, थ्री टू जार सिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूट में है, ये अलग है, ये हो जाएगा इस तरीके से थ्री अंडर रूट टू डिवाइड बाई थ्री वन जार थ्री, वेरी गुड। अब माइनस बी कितना मुझे निकला, अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, माइनस बी मुझे कितना निकला, अब मुझे ए निकला, ए का वैल्यू अब आ गया थ्री, वेरी गुड, कामा बी का माइनस बी का, माइनस बी का वैल्यू आ गया अब ये वाला, क्या आ गया थ्री अंडर रूट टू डिवाइड बाय थ्री, तो ये माइनस चला जाएगा इसको, जैसे मैंने आपको बोला कैसे, उसको मैंने इस साइड में सॉल्व कर दिया था अभी, तो और माइनस बी, ये माइनस चला जाएगा इसको, बी निकलेगा बराबर माइनस थ्री अंडर रूट टू डिवाइड बाय थ्री। अब आ गया मेरा सेम, देखो यहां पर भी मेरा जो बी है, बी मैंने क्या लिखा, बी मेरा आएगा अंडर रूट माइनस बी का वैल्यू, यहां पे क्या आ गया, देखो माइनस बी का वैल्यू नहीं, डिवाइड बाय थ्री नहीं है, डिवाइड बाय थ्री नहीं है, ठीक है ना, माइनस बी का वैल्यू निकला थ्री अंडर रूट टू, माइनस बी का वैल्यू निकला थ्री अंडर रूट टू, अब ये माइनस चला जाएगा इसको माइनस थ्री अंडर रूट टू, ठीक है ना, वेरी गुड।
तो आप यहां पे भी देखो 3 आ रहा है, बी ए का वैल्यू, यहां पे भी ए का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू आ रहा है 1, समझ आई बात। अब हम करेंगे काम, इन्हीं वैल्यूज को हम पुट करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। मैं लिखूंगा पुट ए इज इक्वल टू, ए कितना है जल्दी बोलो, 3 कॉमन, बी मुझे क्या निकला -3 अंडर रूट 2 सी एन, सी इज इक्वल टू 1 इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कॉमा वी गेट है, ये फुल लिखना आप कॉमा वी गेट जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने अब सारा निकाल के रखा, ए के बदले में क्या लिखूंगा बच्चों, 3 एक्स स्क्वायर हो गया ऐसे, प्लस बी के बदले -3 अंडर रूट 2 और एक्स, है ना, वेरी गुड, प्लस सी के बदले 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व, 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है।